एक माँ जब अपने ज्ञान से संतान में सद्गुण और संस्कार भर देती है तो उसे उसकी सारी तपस्या, व्रत और पूजा पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए तो वेदों में माँ को हर स्थान पर पूजनीय कहा गया है। हाँ पुत्र, आज का ये दिन हमारे लिए सबसे सुखद और कभी न भूलने वाला है। ये सब तुम्हारी प्रभु भक्ति का ही फल है प्रिय। एक बार पिताश्री बोलो पुत्र। बड़ा नटखट है। एक बार फिर से बोलो। सुना आपने नाथ, किसने फिर से मुझे माँ बोला? कैसी अद्भुत लीला है आर्य पुत्र। हमारा पुत्र तो कुछ ही दिनों का है, फिर इसके मुख से माँ, ये कैसे संभव है? बिना सिखाए केसरी नंदन ने माँ बोलना सीख लिया। हे गौरी शंकर, आपकी कृपा से हमारा लाल ये कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहा है। आपने हमें इतना सुख दिया है कि वह हमारे हृदय में समाए नहीं समा रहा है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूं।